गोरखपुर जिले के सभी सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में नए सत्र में छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने को लेकर एक कार्यशाला बुधवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य रूप से जिला विद्यालय निरीक्षण ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तर्षि कुमार, जिला अल्पसंगठन कल्याण अधिकारी संजय कुमार मिश्रा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अश्वनी कुमार, सह जिला विद्यालय निरीक्षण ओडी सिंह सहित कई अधिकारी और सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि कुमार ने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति वितरण में बरतने वाली सावधानियां और आवेदनों के क्रियाकलापों पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षण ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने भी प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति आवेदन तथा वितरण को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। आज की इस बैठक समयबद्ध तरीके से अपने कार्य संपन्न करते रहने चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से संबंधित विभाग के सभी अधिकारी आप लोगों के सामने बातें रखी है। हमारे डीओ साहब ने निर्देशित भी किया है कि समाज कल्याण से संबंधित जो बिंदु है पहले उनका चर्चा हो जाए। बिंदु बार जब शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है तो हम लोग एक चर्चा के लिए उपस्थित होते हैं ताकि वर्ष भर की पूरी प्लानिंग हम लोगों की हो जाए। जो चीजें हैं आप लोगों तक कम्युनिकेट करनी है या आपके माध्यम से हम लोगों तक आनी है उस पर सार्थक चर्चा हो जाए ताकि वर्ष भर छात्रवृत्ति के संबंध में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि पहला एजेंडा आपका छात्रवृत्ति से संबंधित है इसलिए मुझे ये अवसर डीआर साहब ने दिया। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे कहने पर शिक्षा सत्र प्रारंभ होते ही तुरंत ये बैठक आयोजित करी है। अमूमन ऐसा न हो पाता है कि सत्र के प्रारंभ में ही बैठक आज 4 तारीख को ही कर ली है ताकि आपको भी पर्याप्त समय मिल सके अपने जो भी कार्यक्रम है उनको चलाने का। और हम लोग की कठिनाई अगर कोई है एक दूसरे से कोई चीज लेनी देनी है तो वो चीज हम लोग समझ सके। मैं ज्यादा इधर उधर की बात न करके सीधे अपने विषय पे आता हूँ क्योंकि आपका दिन महत्वपूर्ण है। आप अपने विद्यालय को छोड़ करके आए हैं, बहुत से बिंदु हैं जिन पर आपको चर्चा करनी है इसलिए मैं सीधे अपने छात्रवृत्ति से संबंधित बिंदुओं पे आता हूँ। लेकिन छात्रवृत्ति दो प्रकार की आपके विद्यालयों में मिलती है, दो प्रकार की हो कि एक पूर्वदशम छात्रवृत्ति और दूसरा दशमोत्तर छात्रवृत्ति। पूर्वदशम छात्रवृत्ति हम कक्षा 9-10 की छात्रवृत्ति को कहते हैं और दशमोत्तर छात्रवृत्ति हम 11-12 आपके यहाँ 11-12 लागू होता है इसलिए 11-12 की हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिग्री कॉलेज के लोग नहीं है। तो आपकी 11-12 और 9-10 दो तरीके की छात्रवृत्ति है, एक पूर्वदशम छात्रवृत्ति और दूसरी दशमोत्तर छात्रवृत्ति। पूर्वदशम छात्रवृत्ति के लिए अलग टाइम टेबल है और दशमोत्तर छात्र के लिए अलग टाइम टेबल है। वो टाइम टेबल हमने भिजवाया भी है, आप लोगों को मिला होगा और जिनको न मिला हो ले जरूर लेंगे ताकि नेट पे वैसे सब चीजें उपलब्ध है लेकिन हो सकता है कि कहीं दिक्कत हो तो आप इसको देख सकते हैं और देख करके अपने उस पर वैसे आप चर्चा करेंगे कि उस पर आप नोट भी कर लेंगे ताकि कहीं कोई समस्या न रह जाए। पहले 9-10 पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या कार्रवाई आपके स्तर पर होनी है। तो इस पर कक्षा 9-10 में ये समझ लीजिए कि प्रदेश के जो मान्यता प्राप्त या राजकीय विद्यालय है उनको 1 जून से लेकर के 15 जून तक अपने मास्टर डेटा को करेक्ट करना है। ये कार्रवाई आपको अभी 15 जुलाई तक करनी है, 15 जुलाई तक। तो ये 1 जून से प्रारंभ हो गया था, 15 जुलाई तक चल रहा है क्योंकि विद्यालय बंद थे। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप 4 तारीख है लगभग 11 दिन का समय आपके पास उपलब्ध है। छोटा सा काम आपके लिए है केवल मास्टर डेटा को अपडेट करना है, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि बहुत समय चाहिए इसमें। तो आप इसको प्लीज जरूर अपडेट कर लें क्योंकि वही जो रनिंग साइट है जिसमें आप काम करते हैं लेकिन उस पर जाकर के अपने मास्टर डेटा को करेक्ट कर लीजिए। कोई अपडेशन हो कोई चीज हो तो उसको अपडेट कर लीजिए। क्या कार्रवाई आपके स्तर पर जो कि आपको करना है इसलिए इसका समय जरूर नोट कर लीजिए, 15 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट है। तो उससे पहले कर लीजिए, कभी कभी ये होता है कि नेट नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप समय से पहले कर लीजिए इसको। आप हमारे ख्याल से 10 तक कर लीजिए ताकि आपको कहीं ना हो पाए तो 15 तक हर हालत में कर लो क्योंकि इसके बाद कोई दिक्कत होगी अगर मास्टर डेटा आपका करेक्ट नहीं होगा। तो ये कार्रवाई जरूर कर लीजिए। साथ के स्तर पर होनी है ये डीआर साहब के यहाँ से जो लोग हम उसमें इसको नोट कर लें कि संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षण महोदय के द्वारा सीटों की संख्या और पाठ्यक्रम आदि की प्रामाणिकता को प्रकट करना है कि किस विद्यालय में कितनी सीटें हैं और उसमें पाठ्यक्रम कौन कौन से लागू हैं।
इसको प्रमाणित करेंगे ऑनलाइन। आप पीआर साहब को ये काम करना है तो लोगों को उसको नोट कर लें कि यह कार्रवाई पीआर साहब के स्तर पर हो रही है। हर विद्यालय में किस कक्षा के लिए कितनी सीटें निर्धारित है और उन्हें कौन कौन सा पाठ्यक्रम अनुमति उनको मिली हुई है, इसका परीक्षण पीआर साहब को करना है। और यह काम करना है 16 अगस्त का, तो 16 अगस्त बहुत समय है। 16 जुलाई से कार्य प्रारंभ होगा, अभी समय प्रारंभ का नहीं हुआ है, 1 महीने का समय इसमें डीआर साहब को मिला है, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये विद्यालय कौन सा विद्यालय है, उसमें कितनी सीटें उन्होंने इंटर के लिए, हाई स्कूल के लिए या नाइन्थ के लिए, इलेवंथ के लिए, वो आप प्रमाणित कर रहे हैं। और कौन कौन से विषय की मान्यता है, ऐसा तो आपके साइंस आपके यहाँ नहीं है, साइंस के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इसको प्रमाणित जब आप करेंगे तभी वो आप पढ़ पाएंगे। तो ये सीटों की प्रमाणिकता, संख्या की प्रमाणिकता और कोच की प्रमाणिकता, इसको 16 अगस्त तक करना है पीआर साहब को। तो ये दूसरा मैं कहूंगा जो आपके उसका छात्रों को एक अवसर ये दिया जाएगा कि विज्ञान के ऑनलाइन छात्र आवेदन पत्र पूर्ण करने पर फाइनल प्रिंट आउट निकालने का पूर्व 3 दिवस कार्य दिन जो ही एलआईसी करेगा, इसका काम उनसे नहीं है। छात्र छात्राओं को आवेदन पत्र भरने के 6 दिन के अंदर विलंबतम 6 जुलाई तक वह विद्यालय को देगा ऑनलाइन जो फॉर्म भरेगा उसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको अपने संलग्नकों से ही देगा। तो ये बच्चे को करना है, ये भी बता दीजिए कि 6 दिन के अंदर जब वो आवेदन करे, जिस दिन आवेदन करे उसके 6 दिन के अंदर अंदर उसको हार्ड कॉपी निकाल करके अपने कंप्यूटर से जो उसने आवेदन किया है उसके प्रति संलग्नकों से ही आपके विद्यालय में जमा कर दें। ये भी बच्चों को बताना पड़ेगा, एक तो आवेदन की तिथि उसको बतानी पड़ेगी, दूसरे ऑनलाइन जो आवेदन करेगा उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके वो आपके पास जमा करेगा, और इसको जमा करने की तिथि जो है वह 2 जुलाई से 12 सितंबर तक है। लेकिन बच्चा जिस दिन भरेगा उसके 6 दिन के अंदर उसको करना है। कोई बच्चा किसी दिन भरेगा, कोई बच्चा किसी दिन भरेगा, कोई बच्चा किसी दिन भरेगा, वो जब भी भरे उसके 6 दिन के अंदर उसको जमा कर देना है आपके पास। तो बच्चे को ये दो चीज जरूर बताइए कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यह है और हार्ड कॉपी जमा करने की 6 दिन के अंदर है, जिस जरूर